हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर हमारा किचन मेसी हो और सामान अपने सही प्लेस पे ना हो तो हम एफिशिएंटली किचन में काम नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारा खाना जल जाता है, पैन्स ओवरहीट हो जाते हैं और स्पाइसेस जहां तहां स्पिल हो जाते हैं। ये सब एक पुअरली ऑर्गेनाइज्ड किचन की निशानी होती है। इसलिए दोस्तों, किचन को स्मार्टली ऑर्गेनाइज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही जीनियस किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ के बारे में बताऊंगी, जिनसे आपके लिए किचन में काम करना बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। दोस्तों, जब भी हम अपने होम ऑर्गेनाइजेशन मोड में आते हैं तो हम अक्सर इम्पल्सिव होकर ढेर सारे कंटेनर्स परचेज कर लेते हैं, जिससे हमारा किचन ऑर्गेनाइज्ड रहे। मगर अगर आप अपने किचन कबर्ड के साइज़ के अकॉर्डिंग कंटेनर्स परचेज नहीं करते हैं तो ये बल्कि कंटेनर्स हमारे किचन ऑर्गेनाइजेशन को और भी डिफ़िकल्ट बना देते हैं। इसलिए किचन के लिए कंटेनर्स परचेज करने से पहले आप अपने किचन शेल्फ्स, किचन कबर्ड्स और स्टोरेज यूनिट्स के शेप और साइज़ को कंसिडर कीजिए। नहीं तो मिसफिट कंटेनर्स को लास्ट में आपको अपने किचन काउंटर टॉप पर ही रखना पड़ेगा, जिससे आपका किचन और भी मैसी लगेगा। ग्रॉसरी और अदर स्टेपल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्लियर कंटेनर्स का ही यूज़ कीजिए। ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले ग्रॉसरीज को फ्रंट में रखिए। जैसे आप अपने घर को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजर्स परचेज करते हैं, वैसे ही आप अपने किचन के लिए भी अच्छे स्पाइस रैक्स, अटेंशियल ऑर्गेनाइजर्स और कुछ यूज़फुल रैक्स परचेज कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपका किचन पूरी तरह से नॉन मॉड्यूलर हो, अपने किचन के साइज़ और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजर्स परचेज कीजिए। इससे आपको अपने किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आप सबने जापानीज ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट मेरी कोंडो का नाम तो सुना ही होगा। मेरी कोंडो का मेन प्रिंसिपल है घर में गैर ज़रूरी सामान को जमा नहीं करना और ऐसे हर सामान को थ्रो या डोनेट कर देना जिसका आपके लिए कोई यूज़ ना हो। इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें अपने किचन में बेकार और यूजलेस सामान जैसे पुराने नाइफ्स, अटेंसिल्स, लंच बॉक्सेस और कंटेनर्स को थ्रो या डोनेट कर देना चाहिए। आपके किचन में जितना कम क्लटर होगा, किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखना उतना ही आसान हो जाएगा। चाहे आपका किचन छोटा हो या बड़ा, अगर आप अपने अटेंसिल्स को स्टैक करके रखेंगे तो इससे आपके किचन में काफ़ी स्पेस क्रिएट होगा। ऐसे कंटेनर्स परचेज कीजिए जिन्हें जब आप यूज़ नहीं कर रहे हों तब आप उन्हें एक दूसरे में स्टैक करके रख सकें। इससे आपके किचन में काफ़ी स्पेस बचेगा। आप ड्रॉर्स में भी प्लेट्स और बाउल्स को स्टैक करके रख सकते हैं। इससे ड्रॉर्स में काफ़ी स्पेस क्रिएट होता है। अगर आपको अपने किचन में स्मूथली काम करना है तो किचन में हर काम के लिए स्पेसिफिक स्पेस डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि आपको फूड प्रिपरेशन कहाँ करना है, कुकिंग कहाँ करनी है, बर्तन किस एरिया में क्लीन करना है और फूड को कहाँ स्टोर करना है। अगर हर काम के लिए स्पेस डेलीगेटेड होगा तो किचन ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा और किचन में काम करना भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, किचन में स्मूथली काम करने के लिए आपके किचन काउंटर टॉप का क्लीन और क्लटर फ्री होना बहुत ज़रूरी है। मैंने अपने किचन काउंटर टॉप पर रोज़ यूज़ होने वाले सामान को रखा है। यहाँ काउंटर टॉप पर सामान रखना मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरा किचन पूरी तरह से नॉन मॉड्यूलर और अनफर्निश्ड है। मगर फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपने किचन काउंटर टॉप को हमेशा ही क्लीन रखूं।
एवरी मॉर्निंग खाना बनाने के बाद मैं काउंटर टॉप पर जो भी कंटेनर्स और ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्हें क्लीन करती हूँ। खाना बनाने के तुरंत बाद ही मैं अपने किचन काउंटर टॉप और कुकटॉप को भी क्लीन कर लेती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे फ्रिज का अपर पोर्शन अक्सर क्लटर्ड और मेसी हो जाता है, इसलिए दोस्तों फ्रिज के अपर पोर्शन को रेगुलरली डी क्लटर और क्लीन करते रहना चाहिए। फ्रिज के कवर को भी टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। आपके किचन में जो भी फ्लैट सर्फेसेस हैं उनकी रेगुलर क्लीनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर फ्लैट सर्फेसेस पर ही ढेर सारा क्लटर और डस्ट जमा हो जाता है। हमारे किचन में एक ऐसा डिवाइस है जिसे हम लोग अक्सर क्लीन करना भूल जाते हैं। ये डिवाइस है हमारा वाटर फिल्टर या आरओ मशीन। अक्सर हम लोग इसकी क्लीनिंग को अवॉइड करते हैं और वक्त के साथ ये काफ़ी गंदा हो जाता है, इसलिए दोस्तों एटलीस्ट 15 डेज में एक बार अपने आरओ के आउटर पोर्शन को ज़रूर क्लीन कीजिए। हम में से कई लोग किचन काउंटर टॉप पर ही फ्रूट्स बास्केट को रख लेते हैं, जिसके कारण ये काउंटर टॉप पर काफ़ी स्पेस ले लेता है। दोस्तों आप फ्रूट बास्केट्स को काउंटर टॉप के बजाय कहीं और रख सकते हैं, जैसे आप जल्दी स्पॉइल होने वाले फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जिन फ्रूट्स को बाहर रखना है उनको आप अपने रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी रख सकते हैं। इससे आपके किचन काउंटर टॉप पर काफ़ी स्पेस भी सेव होगा। आपका किचन हमेशा ही इजी टू यूज़ होना चाहिए, स्पेशली सॉल्ट, शुगर और ऑयल कंटेनर्स हमेशा ही आपके रीच में होने चाहिए। अगर आपका किचन मॉड्यूलर है तो आप इन्हें अपने फ्रंट शेल्फ्स में आई लेवल पर रख सकते हैं, और अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है तो आप इन्हें अपने काउंटर टॉप पर ही अरेंज करके रख सकते हैं। इसी तरह रोज़ यूज़ होने वाले स्पाइसेस को भी विद इन रीच ऑर्गेनाइज करके रखिए, इससे आपके लिए किचन में काम करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब भी किचन स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो हम किचन ड्रॉर्स को अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं। एक क्लटर्ड किचन ड्रॉर ना केवल अनअट्रैक्टिव लगता है बल्कि ये किचन ऑर्गेनाइजेशन को भी मुश्किल बना देता है। अपने किचन ड्रॉर्स को ड्रॉर डिवाइडर्स के हेल्प से ऑर्गेनाइज्ड रखिए, इससे आपको ड्रॉर में हर सामान आसानी से मिल जाएगा और आपका ड्रॉर क्लटर्ड भी नहीं लगेगा। दोस्तों एक क्लीन और क्लटर फ्री किचन के लिए किचन काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज्ड रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, मगर हम कितनी भी कोशिश कर लें किचन काउंटर टॉप को क्लीन और क्लटर फ्री रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसे अवॉइड करने के लिए, स्पेशली जब आपका किचन नॉन मॉड्यूलर हो, तब आपको स्पेसिफिक थिंग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ट्रेज का यूज़ करना चाहिए। जैसे आप शुगर, सॉल्ट, टी और कॉफ़ी कंटेनर्स को ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए ट्रेज का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह ऑयल्स और घी को भी ऑर्गेनाइज्ड रखने के लिए आप ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अपने किचन को ऑर्गेनाइज्ड रखना है तो आपको अपने फ्रिज को भी ऑर्गेनाइज्ड रखना होगा, मगर हम में से कई लोग अपने फ्रिज को तो ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं मगर कई बार डीप फ्रीज़र को इग्नोर कर देते हैं। फ्रिज के साथ साथ हमें डीप फ्रीज़र की भी रेगुलर क्लीनिंग करते रहना चाहिए। डीप फ्रीज़र को आप अपने एक्स्ट्रा स्पाइसेस, बेकिंग प्रोडक्ट्स और ड्राई फ्रूट्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं।